बिग बॉस के घर में जाने से पहले मुनावर फारूकी को लेकर के क्या बोले हैं करण कुंद्रा। पहली बार उन्होंने मुनावर के साथ जो चीज़ें गलत हुई है ना उस पर बात की है। वेल, जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आने वाला है और मुनावर फारूकी को सपोर्ट करने के लिए करण कुंद्रा जा रहे हैं। जी हाँ, एक और रियलिटी शो में दोनों लोग नजर आने वाले हैं। फिलहाल करण कुंद्रा, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुनावर फारूकी को, एक दोस्त की तरीके, एक भाई की तरीके हमेशा सपोर्ट किया, और हाल ही में उनका जो इंटरव्यू सामने आया, उनसे पूछा जाता है कि बिग बॉस देख रहे, विनर कौन बनेगा, फेवरेट कौन होगा, तो उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई कि बताओ कौन फेवरेट होगा। तो जो रिपोर्टर है ना, वो खुद भी जानते हैं कि ऑफकोर्स इनका फेवरेट तो मुनावर फारूकी है। तो उन्होंने कहा कि मुनावर फारूकी ऑफकोर्स, जहाँ तक उन्होंने बोला कि एक भाई के तौर पर, एक सपोर्टर के तौर पर, चाहे आप ले लो एक दोस्त के तौर पर ले लो, तो मैं मुनावर के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर उसके साथ अच्छा हुआ है, सपोर्ट लोगों ने किया है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत गलत भी हुआ है। उनका ये कहना है, जब एक सवाल पूछा जाता है कि उसको लेकर के बहुत बातें हो रही है क्योंकि लोग बातें बना रहे हैं, तो वो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातें तो मुझे भी लेकर के हुई थी, तो मुनावर फारूकी को भी लेकर के हुई है। साथ ही यहाँ पर करण कुंद्रा कहते हैं कि ये दुनिया है और ये ऐसे ही है, या तो बातें सामने आकर के बोलो घर पे बैठ करके, पूरी दुनिया ट्विटर पर नहीं चलती है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया ट्विटर पर नहीं चलती है, आई एम सो सॉरी। कई सारे लोग खींच करके गिराने वाले होते हैं और दो चार लोग होते हैं जो कि आपको उठाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से करण कुंद्रा सपोर्ट करते हुए नजर आए मुनावर फारूकी को, काफ़ी कमेंडेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जो मुनावर की जनता है उनको एक मोटिवेशन मिलता है। अब वही मोटिवेशन मिलने वाला है मुनावर फारूकी को, क्योंकि करण कुंद्रा बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं। फाइनली मुनावर को एक कोई अपना मिलेगा जिसको वो हग करेंगे। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।